दोस्तों रियलमी एक्स के साथ यहाँ पे रियलमी ने अपना रियलमी 3i भी लॉन्च किया था उसी लॉन्च इवेंट पे, और इसको P60 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है जो कि रियलमी ने अपने पहले स्मार्टफोन में यूज़ किया था जो कि रियलमी 1 है। तो मेरे पास यहाँ पे बेस वेरिएंट है जो कि 3GB 32GB कन्फिगरेशन के साथ आता है। इसका प्राइस है 8,000 रुपीज़। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और बाकी इसका और भी कलर आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी फटाफट से यहाँ पे हम लोग बॉक्स खोल लेते हैं, और जैसे कि आपको पता है रियलमी का हर एक फ़ोन में यहाँ पे लिखा रहता है वेलकम टू रियलमी फैमिली। इस बॉक्स पे आपका कुछ यूज़र मैनुअल है, देन आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंट TPU केस है जो कि अच्छी बात है, आपको केस बॉक्स के साथ मिल रहा है लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, और यहाँ पर आपका सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। देन उसके नीचे यहाँ पे आपका फ़ोन रखा है जो कि रेड कलर में और काफ़ी खूबसूरत है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड पे, और यहाँ पे आपका एक चार्जर मिल जाता है। चार्जर आउटपुट की यहाँ पे हम लोग बात करें तो 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर है। देन यहाँ पे आपका माइक्रो USB केबल है। तो यहाँ पे बस इतना ही बॉक्स कंटेंट आपको देखने को मिलता है। सभी चीज़ों को यहाँ पे साइड पर रखता हूँ और फ़ोन की तरफ यहाँ पे देख लेते हैं। और ये फ़ोन जो है डायमंड कट डिज़ाइन के साथ आता है रियलमी का, जैसा आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो लुक है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे रेड और ब्लू कलर में इस पर आपको ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलता है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कूल लगता है। तो फ़ोन को यहाँ पे बूट कर लेते हैं, तब तक मैं आपको फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो नीचे के साइड में आपका स्पीकर ग्रिल है, माइक्रो USB पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन 3.5 mm जैक, देन आपका राइट साइड में पावर बटन है जो कि आप देख सकते हैं पूरा ग्रेडियंट फिनिश साइड से भी निकला है जो कि अच्छा लुक यहाँ पे मिल रहा है आपको। ऊपर के साइड पूरा क्लीन है। देन आपका लेफ्ट साइड में आपका सिम ट्रे है, और सिम ट्रे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम ट्रे देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है अगेन। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम रॉकर है। देन यहाँ पे पीछे के साइड में ड्यूल रियर कैमरा है, और जो मेन सेंसर है वो 13 MP का सेंसर है, और यहाँ पर आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट रीडर है, और जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं डायमंड कट डिज़ाइन है। और फ्रंट में आपका 6.2 इंच का HD डिस्प्ले है। ऊपर का साइड आप वाटर ड्रॉप नॉच देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा यहाँ पे 13 MP का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को अभी पूरा सेट कर लिया। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का अगर मैं आपको स्पीड बताऊँ तो काफ़ी फास्ट एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मुझे लगा। और सेम चीज़ यहाँ पे फेस अनलॉक के साथ है, फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे आप देखो इंस्टेंटली यहाँ पे आपका मतलब अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको पता है रियलमी का फ़ोन है, थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर के साथ आता है। ColorOS 6 है, एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे आपका लेटेस्ट है Android 9। स्टोरेज यहाँ पे आपको 32 GB का मिलता है जिसमें से आपको 19 GB यहाँ पे फ्री मिलेगा। अभी तक मैंने इस पर कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। कैमरा इंटरफेस की यहाँ पे बात करें तो रियलमी का आपको पता है जैसा कैमरा इंटरफेस होता है, और यहाँ पे रेड कलर का बल्ब जल रहा था इसलिए यहाँ पे आपको रेड रेड दिख रहा है। मैंने काफ़ी सारे फोटो सैंपल लिया है, यहाँ पे मैं आपको वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूँगा। वीडियो यहाँ पे आप 1080p तक ले सकते हैं, और बाकी जो फीचर होता है स्लो मोशन का या फिर पोर्ट्रेट मोड का या फिर नाइट स्केप का फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। DRM इन्फो की बात करूं तो यहाँ पे आपको L3 लाइसेंस है, और यहाँ पे इस बजट पे आपको L1 मुझे नहीं लगता कि आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे कैमरा टू API अनलॉक्ड है। एंटूटू स्कोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे 1,15,000 एंटूटू स्कोर यहाँ पे मिला। और PUBG की मैं यहाँ पे बात करूं तो PUBG आप हाईएस्ट HD सेटिंग में खेल पाओगे हाई फ्रेम रेट पे, और यहाँ पे बैलेंस और स्मूथ में भी आप हाई फ्रेम रेट पे खेल पाओगे। तो ओवरऑल रियलमी 3i में आज पूरा दिन यूज़ किया, और मुझे लगता है कि यार 8,000 रुपीज़ में काफ़ी कुछ देने की यहाँ पे कोशिश किया है रियलमी ने। और अगर आपका बजट 8,000 रुपीज़ है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑफ़र में ये आपको उससे भी कम में मिल सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार चेक करना। कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़ोटो सैम्पल भी इसके लास्ट में अटैच कर दूंगा। और दो चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलता है, और जो स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड रहता है रियलमी फ़ोन में, इसमें भी यहाँ पर प्री अप्लाइड था।
तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।